प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने दो दिवसीय रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वह 22वें भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी रूस दौरे के दौरान रूस के प्रधानमंत्री पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर रूस काफी उत्सुक है। भारत और रूस के संबंध के लिए इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा से पहले अपने एक्स हैंडल से अपने दौरे की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए काफी उत्सुक हैं। पीएम मोदी के रूस की यात्रा को लेकर वैश्विक मंच पर काफी चर्चा हो रही है। दरअसल यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद पीएम मोदी की यह पहली मॉस्को यात्रा है। मसलन कई मामलों में यह यात्रा अब काफी अहम मानी जा रही है। रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मोदी की यात्रा को पश्चिमी देश ईर्ष्या की नज़र से देखते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जहां पूरे पश्चिम में रूस का विरोध देखने को मिला, दौरान 5 साल बाद रूस दौरे पर जा रहे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर पूरे पश्चिम के साथ वैश्विक जगत की निगाहें टिकी होंगी। मोदी और पुतिन के बीच आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 समरकंद में हुई। उन्होंने भारत रूस के संबंधों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दोनों देश के बीच रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 वर्षों में आगे बढ़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि हम लोकतंत्र के आदर्शों को साझा करते हैं। मैं नए क्षेत्रों में हमारी साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की आशा करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी रूस दौरे के बाद ऑस्ट्रिया के दौरे पर भी जाएंगे। 40 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रिया की यह पहली यात्रा है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के दौरे को लेकर कहा कि मैं ऑस्ट्रिया में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करूंगा।